हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन ईसीएस स्टॉकहोम सीरीज़ में होने वाले पहले सेमीफाइनल मैच की। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो मैच है किस्टा क्रिकेट क्लब और सिंगटा के बीच में खेला जाएगा। यहां पर सिंगुटान का जो है, यहां पर पिछले कल जो है एक मैच हुआ था किस्टा के खिलाफ, वो ये जो है मैच हार कर आ रहे हैं। कल सिंगुटान के दो मैच हुए थे और सिंगटूना ने वो दोनों के दोनों मैचेस हारे हैं। किस्टा की अगर मैं बात करूं, 6 में से 5 मैचेस अभी तक किस्टा जीत चुकी है और नंबर 1 पर है अभी तक लीग स्टेज में। अब अगर यहां पर देखते हैं क्या होता है, यहां पर अभी हम जो है प्लेइंग 11 की बात कर लेंगे, पिच रिपोर्ट की बात कर लेंगे, वेदर रिपोर्ट की बात कर लेंगे और सारी की सारी डिटेल अभी हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, ये जो है पहला सेमीफाइनल है स्टॉकहोम लीग का, खेला जाएगा किस्टा क्रिकेट क्लब और सिंगटूना सीसी के बीच में, और होने वाला है मार्सेटा क्रिकेट क्लब स्टॉकहोम में। इंडियन टाइमिंग के हिसाब से जो है ये मैच 1:30 बजे आपको लाइव देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, फैन कोर्ट पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हैं। प्रीव्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, किस्टा क्रिकेट क्लब सेमीफाइनल में बहुत आसानी से पहुँच गई थी, 6 में से 5 मैचेस जीती है, 1 मैच हारी है। जो हारी है वो कल ही हारी थी पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो ये टीम जो है एलबी जेलमी के खिलाफ खेलते हुए हमें सेकंड सेमीफाइनल दिखेगी। अब अगर किस्टा क्रिकेट क्लब की मैं बात करूं तो यहां पर जो है ये सिंगटूना के खिलाफ खेलने वाले हैं। पहला सेमीफाइनल जो होने वाला है, सिंगटूना जो है 6 मैचेस में से 3 ही मैचेस जीती है। वेदर रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो थोड़े बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पर जब ये मैच होने वाला है तब यहाँ पर हमें रेन देखने को मिले, पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूरा का पूरा मैच हमें लाइव देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पिच रिपोर्ट की, तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, सिंथेटिक ट्रैक पर यह पिच हो रही है, सॉइल पर पिच नहीं हो रही है, और सॉइल पर मैचेस नहीं हो रहे हैं, सिंथेटिक ट्रैक पर ही सारे के सारे मैचेस हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो है सारे के सारे, मतलब बिल्कुल सेम ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, और ऐसा नहीं है कि पिच स्लो हो रही है या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरे तीसरे मैच में भी टीम्स आकर बहुत ज़्यादा रन बना रही हैं। तो यहाँ पर सेम ट्रैक पर मैच होने वाले हैं, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा रन यहां पर हमें देखने को मिल सकते हैं। 84 जो है एवरेज है। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग की अगर हम बात करें तो 8 बार जो है चेज करते हुए टीम जीती है, 10 बार यहां पर हारी है। प्रॉबल प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें, सिंगटूना जो है यहां पर आप देख सकते हैं कल 2 मैचेस हुए थे, दोनों के दोनों मैचेस ये हारी है। कुर्बान अली की अगर हम बात करें, ओपन ही कर रहे हैं वैसे अपनी टीम के लिए, 16 रन 21 रन 33 रन 20 रन और 16 रन। फिर उसके बाद एफ अजीम है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा इन्हें बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे करा है, क्योंकि एम रहमान स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया खेल रहे थे, 53 रन 46 रन, और यहाँ पर आप 15 भी मान के चलिए ठीक ठाक हैं, पर उसके बाद पिछले 3 मैचेस में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये जो प्लेयर है अब ग्रैंड लीग का ही कप्तान या वाइस कप्तान बन सकता है, वाइस कप्तान ही बनिएगा, कप्तान तो मत ही बनाइएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आदिल महमूद हैं, कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है ना 4th पोजीशन यहाँ पर बिल्कुल टिके हुए हैं 4th पोजीशन पर, या तो 5वें पर आ जाते हैं या तो 3रे पर आ जाते हैं, इससे नीचे या इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं। अब अगर जेड कियानी की हम बात करें तो बीच में 3 मैचेस नहीं खिलाए गए थे, फिर 7 और 12, और यहाँ पर आप मान के चलिए कि जेड कियानी को इस मैच में शायद ये ड्रॉप ही कर दें, क्योंकि इतने बढ़िया परफॉर्मर नहीं हैं। फिर उसके बाद अहमद एजाज आप देख सकते हैं, बीच में 1 मैच ये नहीं खेले थे, फिर उसके बाद जो है 1 रन इन्होंने बनाया। फिर उसके बाद आमिर मीर को खिलाया गया है, यहाँ पर ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, 2 ही मैचेस अभी तक टूर्नामेंट में खेले हैं। फिर उसके बाद हर्षप्रीत सिंह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है सेकंड लास्ट मैच में 2 विकेट, एकमात्र खिलाड़ी जिसने विकेट चटकाई थी उस मैच में, और फिर उसके बाद जो 1 रन बनाया है। राजा अजहर महमूद की अगर हम बात करें तो भैया इसने अभी तक 1 भी बार बैटिंग नहीं करी है, बैटिंग करने का इसको मौका ही नहीं दिया गया। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स इसके हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स कैचिंग के हैं और प्लेइंग 11 में आने के हैं, और कोई पॉइंट्स इसके पास नहीं है। अदनान रजब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, 1 विकेट इन्होंने वैसे पिछले मैच में चटकाई थी। फिर उसके बाद जो है सीएच शफताज अहमद को अंदर लेकर आई थी टीम, ज़्यादा बढ़िया ये भी नहीं कर पाए। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि अतीउल्ला सैफी जो है अपनी टीम में वापस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि ये प्लेयर वापस आ सकता है, किसकी जगह आएगा
शफताज अहमद की जगह ये प्लेयर प्लेइंग 11 में वापस आ सकता है। अब अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए पिछले 3 मैचेस की बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो जेड कियानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी है, इसी की वजह से यहाँ पर इस प्लेयर को ना खिलाया जाए तो बहुत बढ़िया है। जेड कियानी यहाँ पर आप देख सकते हैं हर मैच में इतनी ही इकोनॉमी रही है इनकी, एक आधा विकेट इन्हें कहीं पर चटकाया होगा तो चटकाया होगा, उसके अलावा इन्हें कुछ भी नहीं करा। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ उससे आगे तो अहमद एजाज हमारे लिए ठीक ठाक प्लेयर हैं, पर पिछले मैच में जब इन्होंने स्टार्टिंग का ओवर करवाया था तो बहुत ज़्यादा रन खा लिए थे, 13 रन खा लिए थे, उसके बाद जो है टीम ने इसे ओवर ही नहीं लिया। कुरबान अली यहाँ पर एक विकेट पिछले मैच में चटकाई है, आदिल महमूद अफजल ने जो है यहाँ पर एक विकेट चटकाई है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो है यहाँ पर फैज़ल हैं जो इन्होंने दो एक विकेट चटकाई है। यहाँ पर आप देखिए फैज़ल कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर दो दो ओवर अपने कंप्लीट कर रहे हैं, एक विकेट भी ये जो है कम से कम हर एक मैच में चटका रहे हैं। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यही हमारे पास प्लेइंग 11 रह सकती है, और कोई नहीं हो सकती। सीएच अहमद को ये नहीं खिलाएंगे इतना तो पक्का है, क्योंकि सेमीफाइनल मैच है तो अपने सारे के सारे बड़े नाम ये पक्का वापस लेकर आएंगे टीम में। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ पूरी की पूरी प्लेइंग 11 की तो कुरबान अली हमारे पास होंगे, मोहम्मद रहमान हमारे पास होंगे, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो है अजीम फैज़ल हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एस हसन हैं, आदिल महमूद हैं, अदनान रज़ा हैं, अबू बकर हैं, फिर उसके बाद जैड कियानी हैं, रज़ा महमूद हैं जो अपने टीम के कप्तान और विकेट कीपर हैं, अर्शप्रीत सिंह है और आमिर मीर खेल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ आमिर मीर की जगह कोई और एक प्लेयर आ सकता है अंदर, जैसे अहमद एजाज हमारे पास अंदर आ सकते हैं, अदनान रज़ा के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अदनान रज़ा वैसे ड्रॉप नहीं होंगे। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ किस्टा क्रिकेट क्लब की, यहाँ पर आपको बता दूँ सिर्फ और सिर्फ एक मैच हारे हैं। अब अगर एक चीज़ और बताऊँ किस्टा और सिंगटूना का जो मैच हुआ था वहाँ पर आप देखिए सिंगटूना के खिलाफ बहुत बढ़िया इन्होंने विन करी थी, 105 रन बनाए थे, और अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 62 रन बनाए थे, ज़्यादा बढ़िया इनकी परफॉर्मेंस नहीं रही थी सिंगटूना की, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा चांसेज हैं किस्टा क्रिकेट क्लब ये मैच जीतने वाला है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास जो है मोहम्मद फरहान है हमारे पास ओपन कर रहे हैं, हर एक मैच में इन्होंने ओपन करा, कोई ऐसा मैच नहीं है जिसमें ओपन नहीं करा हो इसने। फिर उसके बाद हमारे पास कशन खान है, यहाँ पर इस प्लेयर को ओपन करवाया गया था। फिर उसके बाद जो हमारे पास चंदन खत्री, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, स्मॉल लीग में सीधा सीधा कप्तान का ऑप्शन है। जैड अब्बास यहाँ पर पिछले मैच में नहीं खिलाया गया था, पर मैंने इसे यहाँ पर रखा हुआ है डिटेल्स आपके बताने के लिए। 2 विकेट, 18 रन, 34 रन, 4 रन के साथ 1 विकेट। यहाँ पर अगर मैं सी खत्री की बात करूँ तो 26 रन, 7 रन के साथ 2 विकेट, 14 रन के साथ 1 विकेट, 27 रन के साथ 1 विकेट, फिर 14 रन के साथ 3 विकेट। यहाँ पर एक मैच क्यों नहीं खेला गया, रेस्ट दिया गया था इन्हें, उस ऐसे जैड अब्बास की बात है, इन्हें भी मोस्ट प्रोबेबली आखिरी मैच में रेस्ट दिया गया था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अलीम मोहम्मद हमारे पास हैं, 13 रन, 21 रन, 27 रन, 0 रन, 6 रन, एक भी बार ड्रॉप नहीं हुआ अभी तक टीम में से। फिर उसके बाद हमारे पास पंकज कौल है, यहाँ पर 2 रन, 11 रन और 1 रन इन्होंने बनाया है। मोहम्मद आसिफ हमारे पास हैं, 1 विकेट, 4 रन, 1 विकेट, 2 रन, 1 विकेट, 5 रन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एफ शाह हैं, 19 रन, 5 रन, 4 रन, 6 रन, 10 रन। एम बदार हमारे पास हैं, 2 रन, 2 विकेट, 1 रन के साथ 2 विकेट। फिर उसके बाद हमारे पास पिछले मैच में जो है यहाँ पर श्रीनिवासन को खिलाया गया था, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं प्लेयर ड्रॉप ही होने वाला है। फिर उसके बाद हमारे पास नसीर खान है, 10 रन इन्हें बनाए हैं। फिर उसके बाद आरिफ जायदी हमारे पास हैं, 1 विकेट, 2 विकेट और 6 रन। यहाँ पर जो एक प्लेयर अंदर आ सकता है, एक तो यही है कि भैया धमराशा की जगह जो हमारे पास जैड अब्बास वापस आएंगे, और एक आधा प्लेयर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो एस नवाज़ आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और प्लेयर नहीं है जो अंदर आएगा। अगर कोई और प्लेयर होगा तो वो जो है बेंच में से ये उठाएंगे, सीधा ही अंदर लेकर आ देंगे जिसने एक भी मैच अभी तक नहीं खेला होगा। जैड अब्बास की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ओवर 21 रन, 2 ओवर 9 रन, और यहाँ पर इस मैच में खिलाया नहीं गया था जैड अब्बास को। फिर उसके बाद सी खत्री बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए, 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ओवर यहाँ पर करवाए थे, यहाँ पर जो 2 ओवर करवाए हैं उसमें 3 विकेट चटकाई हैं, यहाँ पर जो इससे पहले मैच में 2 ओवर करवाए थे उसमें 2 विकेट चटकाई हैं। फिर उसके बाद इस मैच में इसे नहीं खिलाया गया था। एम आसिफ की अगर मैं बात करूँ, 2 ओवर यहाँ पर 2 विकेट यहाँ पर चटकाई है, 1 विकेट यहाँ पर चटकाई है, यहाँ पर एक भी विकेट नहीं चटकाई है। एम बद्दार की अगर मैं बात करूँ, एक इमर्जिंग प्लेयर की तरह हमारे पास आए हैं, 2-2 विकेट हर मैच में चटकाई हैं, जो पिछले 2 मैच की अगर मैं बात करूँ तो ग्रैंड लीग के बहुत बढ़िया ऑप्शन हमारे पास है। एन खान यहाँ पर हो सकता है ड्रॉप कर दिए जाएँ, पर अभी तक ड्रॉप नहीं किए गए हैं, कंसिस्टेंसी से यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ रन बना रहे हैं वैसे तो अपनी टीम के लिए। फिर उसके विकेट
ओवर कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। फिर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आरिफ जैदी हमारे पास हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। आरिफ जैदी भी यहाँ पर 2 ओवर के साथ 18 रन इन्हें करवाए हैं 9 की 9 के साथ। तो ये पूरी की पूरी प्लेइंग 11 हमारे पास, और ये पूरे के पूरे हमारे पास जो डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो अभी जो है हम यहाँ पर टीम की बात कर लेते हैं। तो टीम की बात करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, जिन भाइयों ने वीडियो लाइक नहीं करी है वो लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, आर महमूद और के खान। के खान का ऑप्शन ज़्यादा प्लेयर्स ने इसलिए चुना है क्योंकि इस प्लेयर को ओपन करवाया गया था, बहुत कम चांसेस हैं कि इस प्लेयर को आज ओपन करवाया जाएगा। आप आर महमूद के साथ भी जा सकते हैं, पर इस प्लेयर ने अभी तक एक भी बार बैटिंग नहीं करी है। के खान यहाँ पर 2 बार बैटिंग आई है इनकी, टोटल जो है इन्होंने 16 रन बनाए हैं, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं। बैटिंग ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, एम फरहान है, ए मोहम्मद हैं, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ अतुल्ला सैफी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये प्लेयर वापस आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो है जेड कियानी हैं, पर जेड कियानी इतने बड़ी ऑप्शन नहीं रहेंगे हमारे पास स्मॉल लीग में। एफ़ अजीम हमारे पास हैं, ठीक ठाक ऑप्शन है यहाँ पर स्मॉल लीग में, अगर आप चाहें तो आराम से रख सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास अफजल हैं, अफजल को भी यहाँ पर आप स्मॉल लीग में रख सकते हैं। फिर उसके बाद ऑलराउंडिंग ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, एम रहमान है, सी खत्री हैं, ए एजाज हैं, फिर उसके बाद जेड अब्बास हमारे पास हैं, फिर उसके बाद एम बदार का ऑप्शन एक बहुत बढ़िया है, ग्रैंड लीग में हमारे लिए बहुत बढ़िया प्लेयर होने वाले हैं, और एम आसिफ का ऑप्शन हमारे पास है, स्मॉल लीग में भी आप इस प्लेयर को लेकर जा सकते हैं। फिर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ऑलराउंडिंग ऑप्शन की, तो बॉलिंग ऑप्शन की, तो हमारे पास अदनान रजा है, एन खान है, फिर उसके बाद हमारे पास हरदीप सिंह है, फिर उसके बाद ए जैदी हमारे पास है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्यू अली का ऑप्शन है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है ए मीर को पिछले मैच में खिलाया गया था, अगर आप चाहें तो इस प्लेयर को ग्रैंड लीग में लेकर जा सकते हैं, स्मॉल लीग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कि आप ये प्लेयर लेकर जाएँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, पहली जो टीम है वहाँ पर कप्तान जो मैंने रखा हुआ है वो सी खत्री को रखा हुआ है, वाइस कप्तान जो मैंने क्यू अली को रखा हुआ है, के खान है, फिर उसके बाद जो है फरहान है, फिर उसके बाद ए मोहम्मद है, अफजल हैं, जैद अब्बास हैं, एम रहमान हैं, ए जैदी हैं, अदनान रजा और अर्शदीप सिंह हैं। ये टीम जो हमारे लिए स्मॉल लीग फेवरेबल रहेगी, हेड टू हेड में बहुत बढ़िया हमें परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। अब अगर दूसरी टीम की मैं बात करूँ तो सी खत्री एज अ कप्तान रखे हुए हैं, वाइस कप्तान जो है मैंने ए अफजल रखे हुए हैं, एम खान है, ए मोहम्मद हैं, एफ अजीम हैं, जेड अब्बास हैं, एम आसिफ हैं, एम रहमान हैं, ए जैदी हैं, अदनान रजा और ए सिंह हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि भैया वाइस कप्तान बनाने में आपको खूब दिक्कत होने वाली है, क्योंकि पहले हमारे पास होता था कि भैया एम रहमान है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ओपन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, ओवर भी कर रहे हैं, अब पिछले 3 मैचेस से ना ओवर कर रहे हैं ना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पर वाइस कप्तान बनाने में, किस प्लेयर को वाइस कप्तान बनाया जाए, बहुत दिक्कत आने वाली है कई प्लेयर्स को। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप नहीं चाहते हैं इनकी टीम में से किसी को वाइस कप्तान बनाना तो मत बनाइए। जैद अब्बास या एम आसिफ का ऑप्शन हमारे पास बहुत बढ़िया रहने वाला है, ये दोनों प्लेयर, यानी तो मैं आपको एक प्लेयर और बता दूंगा अभी, एक प्लेयर इस टीम में से हमारे पास ये है कि अहमद एजाज खेलें तो उन्हें हम वाइस कप्तान बना दें, क्योंकि बहुत बढ़िया अहमद एजाज खेल रहे हैं। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो है के खान है, एम फरहान है, फिर उसके बाद ए अफजल है, एम अजीम है, फिर उसके बाद सी खत्री हैं, जैद अब्बास हैं, ए एजाज हैं, फिर उसके बाद एम रहमान एज अ कप्तान रखे हुए हैं, फिर उसके बाद एन खान है, ए जैदी हैं और अदनान रजा हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो टीम है ये हमारे लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है, ग्रैंड लीग में हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाली है ये टीम। चौथी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूँ तो ये टीम भी हमारे लिए ग्रैंड लीग के, यहाँ पर आप देख सकते हैं एम बदार एज अ वाइस कप्तान बनाया, ग्रैंड लीग फेवरेबल प्लेयर हैं, ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया हमें करते हुए दिख सकते हैं, 2-2 विकेट पिछले 2 मैचेस में चटकाते हुए आ रहे हैं। फिर उसके बाद कप्तान की अगर मैं बात करूँ, सी खत्री हमारे पास हैं, आर मोहम्मद हैं, फिर उसके बाद एम फरहान हैं, ए सैफी हैं, ए अफजल हैं, एफ अजीम हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है एम आसिफ रखे हुए हैं, ए जैदी हैं, क्यों वली हैं, और उसके बाद अदनान रजा मैंने यहाँ पर पिक कर रखे हैं। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं आतिफुल्ला सैफी थोड़े से रिस्की प्लेयर जो अभी तक जिन्हें ड्रॉप किया गया 2 मैचेस में, उसके बाद तो और कोई भी यहाँ पर जो वाइस कप्तान जैसे मैंने एम बदार रखे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ये तो ठीक है, फिर यहाँ पर आर महमूद जो मैंने रखे हुए हैं, ये 2 से 3 प्लेयर ही ग्रैंड लीग में मैंने चेंज कर रहे हैं, इससे अलावा और कोई चेंज नहीं करा मैंने। तो यहाँ पर ये जो टीम है हमारे लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है, 2 ग्रैंड लीग की टीम, 2 हेड टू हेड की टीम मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।